हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं पम्मी और डिवाइन जो है डिवाइन जर्नी मेरे चैनल का नाम है और इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है एपेक्स अपार्टमेंट पंचकुला 17 में रेणु आंटी जी के घर सत्संग और वहाँ का ही ये व्यू है। तो मैं आपको थोड़ी सी एक बार झलक दिखा रही हूँ पूरे घर की, उनके घर मतलब सत्संग है तो उनके घर की एक झलक दिखा रही हूँ। अभी सत्संग शुरू नहीं हुआ क्योंकि हमने गुरुजी का वेट करना है, हमने गुरुजी को वेट नहीं करवाना। तो हम 10 मिनट पहले ही पहुँच गए थे और मैंने सोचा चलो फिर सारी संगत आ जाएगी, उससे पहले मैं आपको एक झलक घर की दिखला दूँ कैसे उन्होंने सजाया था, सत्संग की कैसे तैयारी की थी। और बहुत ही प्यारा दरबार सजा हुआ है, अभी आपके साथ मैं साझा करती हूँ। और गुरुजी के जो मतलब स्वरूप थे तो बहुत ही प्यारे लगाए हुए थे। ये देखिए कितना प्यारा स्वरूप है, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं गुरुजी सबको देखकर। मेरी संगत आ चुकी है, कुछ आ चुकी है, कुछ आ रही है। तो ये संगत बैठी हुई है, ये मेन एंट्री है। और गुरुजी के स्वरूप है ना जो मन मोह लेते हैं, बहुत ही प्यारे स्वरूप है। कोई भी किसी भी मतलब स्वरूप को देखो तो ऐसे लग रहे हैं जैसे गुरुजी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और हमारी तरफ देख रहे हैं। बहुत ही प्यारे स्वरूप थे। तो आंटी ने बहुत ही सुंदर घर सजाया हुआ था, पूरी सत्संग की तैयारी की हुई थी, कितना प्यारा लग रहा था सब कुछ। तो दोस्तों ये है रेणु आंटी जी का घर, तो मैं आपको एक झलक दिखा रही हूँ। देखिए ये स्वरूप कितने प्यारे हैं गुरु जी के, और ये पगड़ी में गुरु जी कितने प्यारे लग रहे हैं। और गुरु जी तो हमारे है ही प्यारे, बहुत ही प्यारे हैं। और गुरु जी सबके सुनते हैं, गुरु जी को तो सच्चे मन से याद करें ना हम, तो गुरु जी सबके सुनते हैं, बहुत ही जल्दी सुनते हैं। ये देखिए जैसे ऐसे लग रहा है ना, जैसे मतलब कुर्सी के पीछे सिर लगा कर और गुरु जी सबको देख रहे हैं और देख रहे हैं कौन सी संगत आई है और कौन सी नहीं। तो ये है रेणु आंटी जी का घर और कुछ संगत आ चुकी है और कुछ आ रही है और ये सेवा चल रही है लंगर प्रसाद की। और ये थोड़ा सा मतलब काफ़ी संगत आ चुकी थी ना, तो गद्दे पीछे भी कमरों में भी बिछाए हुए थे। ये देखिए गुरुजी का यहाँ भी स्वरूप मंदिर है, ये छोटा सा अंदर बना रखा और वो भी बहुत ही प्यारा सजाया हुआ था। और ये सारी संगत काफ़ी हो चुकी थी तो पीछे तक गद्दे लगाए हुए थे, तो कमरे के अंदर भी बैठे थे। जैसे उनका घर तो काफ़ी खुला था पर काफ़ी संगत आ चुकी थी तो काफ़ी दूर तक गद्दे गुद्दे लगा रखे थे। ये हैं रेणु आंटी जी हमारे और जिनके घर सत्संग है। और कुछ अभी तैयार हो रहे हैं, अंजू आंटी भी अभी तैयार हो रहे थे और बहुत ही प्यारा और मतलब सुंदर दृश्य था। गुरुजी का तो दरबार होता ही सुंदर है, वहाँ आके किसका मन नहीं लगता, बहुत प्यारा दरबार सजा हुआ था। तो अंजू आंटी जल्दी आ जाइए आप भी, और ये आ गए हैं सारे, लगभग संगत पहुँच ही चुकी है। तो अब 6:15 बजे गुरुजी का आगमन है, तो गुरुजी के आते ही सत्संग शुरू हो जाएगा।
तो गुरु जी की वेट कर रहे हैं सारे जने। तो ये अंजू आंटी जी हैं, और अंजू आंटी भी बहुत ही प्यारे हैं, और ये मेरे तो फेवरेट आंटी हैं अंजू आंटी, क्योंकि मुझे इनसे बहुत ही प्रेरणा मिलती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो बड़ा है वो ही सिखा सकता है, कई बार छोटे भी बहुत कुछ सिखा जाते हैं और बच्चे भी सिखा जाते हैं। और जो मतलब ये निस्वार्थ सेवा है ना, ये भाव है, ये अंजू आंटी से ही सीखे हैं। और अंजू आंटी बहुत ही सहनशील और मतलब बहुत ही प्यार से बात करते हैं, बहुत ही प्यारे हैं। और ये सेवादारों को सारे आई कार्ड बांट दिए गए हैं, मुझे भी सौभाग्य मिला, आई कार्ड मुझे भी मिला, और मैं वीडियो बनाती हूँ। गुरुजी ने मेरे को सेवा दी है वीडियो बनाने की, और आप मेरे को सारे लाइक और शेयर करके प्लीज़ मेरा हौसला बढ़ाया करो। मुझसे इससे मोटिवेशन मिलता है कि आपको मेरे वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं, और मैं कोशिश करूं कि इससे भी अच्छे वीडियो बनाऊं। तो प्लीज़ आप लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए। ये तो सेवा है गुरुजी की। और ये देखिए जो मतलब म्यूज़िक वाले हैं वो भी आ चुके हैं अंकल जी, और अभी बस फूल बांट दिए गए हैं गुरुजी के रास्ते में बिछाने के लिए। गुरुजी बस आने वाले हैं, पहुंचने वाले हैं गुरुजी, और आप भी इंतज़ार कीजिए, और आप भी शब्द बाणी सुनिए और लुत्फ उठाइए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
प्रशांत आप सब लोगों को वीडियो मेरे पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? थैंक यू जी, थैंक यू। लाइक नहीं करते हमारा, लाइक करते, लाइक करते हो आप तो, जरूर करते हो, आपका तो पता है मुझे। अपना जीवन बतीत कर रहे हैं, इस नूं डूंघे के आखिर ऐसे मनुख विरले होंदे हन जो नेता प्रति रोज आके अपनी आत्मा की उन्नति करते हैं, जेडियां मन विच कमियां हन कमजोरियां हन उन्हां नूं दूर करके एक आपा परमेश्वर दे प्रण करके गुरु दे मार्ग ते चल पैना। तो राजा शिवनाथ पुकार करता है, हे निरंकार जे तू जगत विच गुरु नानक दा रूप धारे है तां फिर किते मैनू भी दर्शन दे, मेरी नगरी विच भी भाग ला, मेरे हिरदे ते वाहे गुरु नाम लिख दे।